अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा जाहिद शीमा सिल्वर बेल फार्म गुजरांवाला से, और आज मैं आपको वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो में जिसमें हम एक नई ब्रीड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्रीड है वॉरवर्क, जो एक जर्मन ओरिजिन की ब्रीड है। ये ब्रीड 1912 में ऑस्कर वॉरवर्क नामी बंदे ने बनाई, जो कि हैमबर्ग जर्मनी का सिटीजन था। ये ब्रीड लैकनवेल्डर को इम्प्रूव करने के नज़रिए से बनाई गई थी, और इसमें जो ब्रीड्स का इस्तेमाल हुआ था बनाने में, उनमें लिस्ट में शामिल है लैकनवेल्डर, यूटिलिटी बफ ऑर्पिंगटन, हिटफेल्डर्न और एंडलूशियन। 1912 में ये ब्रीड बनी और 1919 में इसको एज एन इंडिपेंडेंट ब्रीड तस्लीम कर लिया गया था। इस ब्रीड की निशानी है ब्लैक लेग्स, बफ कलर और ब्लैक लेसिंग, ग्रे लेग्स, और ये और इनके जो ईयर लोब्स होते हैं ये वाइट कलर में होते हैं। इसकी खासियत ये है, इसका शाइन, इसी अब जैसे मेल की शाइन चेक कर रहे हैं, इसकी शाइन और इसकी खूबसूरती, इसकी माशाल्लाह इसकी खासियत है। इसकी एक और ख़ास बात है जो काफ़ी लोग नहीं जानते, कि दुनिया में मोस्ट इंडेंजर्ड चिकन ब्रीड्स में से इसका 7th नंबर है, मतलब कि दुनिया में सबसे कम पाई जाने वाली मुर्गियों में से ये 7वें नंबर में आती है, और पाकिस्तान में इसकी क्वांटिटी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है। अब ये तो बात हो गई इस ब्रीड की बैकग्राउंड की और इसके प्रेजेंट की, अब इसकी बात करते हैं ब्रीड को पालने की और इसकी टेम्परामेंट की। ये ब्रीड एक्सट्रीमली वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये गर्मी सर्दी दोनों में बड़ी आराम से ये रह सकती है। आपको ये ट्रेंड लग रहा होगा कि जो भी ब्रीड मैं शो करता हूँ, आप कहते हो कि जी बहुत अच्छी ब्रीड्स और गर्मी सर्दी दोनों बर्दाश्त करती हैं। असल में हमारे फार्म पे ब्रीड्स ही वो अवेलेबल हैं जो आम बंदा भी पाल सकता है आराम से, हम ज़्यादा उन लोगों को ज़्यादा मुश्किल ब्रीड्स नहीं देते। बात करते जाए इनकी एगलेइंग की, तो एगलेइंग में ये ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तकरीबन 180 to 190 एग्स पर ईयर ये ले करती हैं, सो नथिंग दैट स्पेशल बट नॉट बैड एज़ वेल। मैं अपने ब्रीडर्स की बात करता चलूँ तो ये माशाल्लाह मेवन फार्म की ब्लड लाइन है। अच्छा, इस ब्रीड की अवेलेबिलिटी बहुत कम होने की वजह से तो ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इम्पोर्ट हुई पाकिस्तान में, तो अक्सर लोगों को इसका पता नहीं है, लेकिन जो लोग इस ब्रीड को जानते हैं वो ढूंढ के इसको पालने की कोशिश करते हैं कि जी ये अवेलेबल हो ताकि हम ये रख सकें। कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर में इसकी काफ़ी डिमांड हमें आ रही है, और माशाल्लाह इसकी काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं इस ब्रीड को, क्योंकि ये रिंग बर्ड नहीं है और इसकी प्राइस भी कम है बाकी ब्रीड से। इसलिए इनका साइज़ इतना ह्यूज नहीं होता, तकरीबन 2.5 से 3 किलो का मेल है और 1.5 से 2 किलो की फ़ीमेल है, लेकिन खूबसूरत और वेल शेप्ड ब्रीड है माशाल्लाह। बात करें चिक्स की अवेलेबिलिटी की, तो इनके चिक्स ऑन बुकिंग अवेलेबल हैं, जिसको चाहिए हो वो हमसे राबता करें, फील फ्री टू कॉल अस एज वी टेल यू ऑल द टाइम, मैसेज करें, वॉइस नोट छोड़ें और दिन के किसी मुनासिब टाइम पे कॉल करें, तो आपको ज़रूर एंटरटेन किया जाएगा। थैंक यू एंड वी विल सी यू इन अ बेटर वीडियो इंशाल्लाह। और नेक्स्ट आपको अजोला की भी बात करेंगे और बस मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपके साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिल्वर बेल फार्म्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ग्रेट कंटेंट इन द फ्यूचर।